इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में दो पक्षों में देर रात जमकर पथराव हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग लहूलुहान हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया है। हम आपको बता दें कि पत्थरबाजी में कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके बाद पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर पर नियंत्रण रखने के लिए आनंद फानंद में कई थानों की पुलिस को घटनास्थल पर बुलाना पड़ा। वहीं कुछ ही समय में क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। थाना क्षेत्र सदर बाजार की हरिजन कॉलोनी में इस दौरान घटनास्थल पर एसपी सीएसपी सहित कई थानों के बल मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने आंशिक बल प्रयोग कर पूरी स्थिति पर काबू पा लिया। सूत्रों ने बताया कि एक दिन पहले दो पक्षों में विवाद था, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही में आंशिक धाराओं में मामला दर्ज किया था। वहीं पूरे अपराध का अल्पीकरण करते हुए कार्यवाही को बहुत हल्का कर दिया था, जिसके बाद आरोपी को छोड़ दिया। वहीं पुलिस अभिरक्षा से छूटने के बाद आरोपी ने अपने कई समर्थकों के साथ दूसरे पक्ष पर जमकर पथरावबाजी की, जिसके बाद दूसरी तरफ से भी पथरावबाजी होने लगी। कुछ ही समय में घटनास्थल के हालात नाजुक हो गए व आनंद फानंद में कई स्थानों की पुलिस बल को घटनास्थल पर पहुंचना पड़ा। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। ये एक कल विवाद हुआ था छोटा सा, उसमें गिरफ्तारी वगैरह हुई थी आरोपियों की, उसी बात को लेके आज दोनों परिवार आपस में झगड़े होंगे। कुछ लड़के आ गए और कुछ पथराव हुआ। जो गाड़ियां कुछ पार्क थी यहाँ पे, ऑलरेडी पार्क रहती हैं, तो उनमें से तीन चार गाड़ियों के कांच फूटे, एक दो लोगों को मामूली चोट आई है। पुलिस की एफ आई आर भी तुरंत आ गई थी स्पॉट पर, इस कारण से कोई घटना बड़ी नहीं हो पाई, कोई चोट किसी को नहीं लग पाई और पूरा मामला नियंत्रण में शांतिपूर्ण है। हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, जो लोग पत्थर फेंकने में शामिल थे उनको चिन्हित करके उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।